अली भाई आज की मजलिस का अगला सवाल है मैंने आज से चालीस साल पहले अपने एक दोस्त से कुछ रकम उधार ली थी लेकिन कुछ मुआशी मजबूरियों की वजह से मैं अपना कर्ज़ा न उतार सका आज जब वो जब वो रकम वापस करने की बारी आई है तो मेरे दोस्त की डिमांड है कि मैं मैं उसे आज के गोल्ड रेट के एतबार से कीमत का हिसाब लगाकर कर्ज़ा वापस करूं क्या मेरे दोस्त का ये मुतालबा शरीयत के मुताबिक दुरुस्त है देखिए जी अगर दो या तीन साल के बाद आप कर्ज़ वापस कर देते फिर तो जो पैसा डी वैल्यू होता है उसका इशू इतना ऐसा सामने ना आता लेकिन 40 साल तो ज़ाहिर है कि बहुत पुरानी बात है इसमें आपको ख़ुद भी गैरत करनी चाहिए कि 40 साल आपने डिले किया तो ये तो बड़ी सख्त ज़्यादी वाली बात है इसके ऊपर इज्त ही किया जाएगा और अगर बार्टर सिस्टम राइज होता तो ये प्रॉब्लम ही ना होता आपको पता है ना कि पहले बार्टर सिस्टम होता था अशिया के बदले अशिया यानी आप दो किलो गंदुम किसी को दे के उससे एक किलो दूध ले लें आज के रेट के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट एक किलो दूध की जो कीमत है वो दो किलो गंदुम के बराबर है चाहे चालीस साल पहले ले लें ले या चालीस साल बाद ले लें क्योंकि दूध भी अगर इस दौरान बढ़ा है तो गंदम भी उसी रेशो से बढ़ी हुई है तो बाटर सिस्टम में तो ये इशू ना होता इसी तरीके से अगर कॉइन करेंसी वाला इशू चल रहा होता जो सोने के और चांदी के सिक्के थे फिर भी इशू ना होता अगर पाँच सोने के सिक्के आपने उधार लिए थे चालीस साल पहले उसी साइज़ के उसी वज़न के पाँच सोने के सिक्के आज आप वापस कर देते तो ज़ाहिर मसला ना होता ये तो करंसी नोट की वजह से सारी मुसीबत खड़ी होगी और खसूसा हमारे मुल्क में तो इसलिए भी कि यहां पे दिन ब दिन पैसा डिवेल्यू होता जा रहा है अगर ये डॉलर्स होते तो ऐसा कोई फ़र्क ना पड़ता तो इसमें इश्तहाद यही है कि आंदा के लिए भी आज के दौर में मैं लोगों को मशवरा दूंगा कि जब आप किसी को कर्ज़ देना तो गोल्ड के वेलट दें ताकि अगर आपको वो वापस करे थोड़ी देर बाद और पाकिस्तान में तो आए दिन पैसा डिवेल्यू रहता है एक साल बाद भी वापस करने से जो है वो दो लाख जो है डेढ़ लाख रह जाता है और इस तरह आजकल लोग कर रहे हैं और उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सोने ही उनको देना है नहीं आप डॉलर्स की शक्ल में दे दें या उस दिन आप सोने का रेट लगवाएं उस एतबार से उसको कहें कि इतने तोले या इतने ग्राम सोने के इक्वेलेंट मैंने तुम्हें इतने रुपए दिए या मैंने इतने रुपए उधार नहीं दिए बल्कि इतना सोना उधार दिया उसके इक्वेलेंट दोनों इंटरचेंजेबल है ना क्योंकि ये हमारी करेंसी गोल्ड के अगेंस्ट है सिल्वर के अगेंस्ट नहीं तो बस जब वापस लें तो आप उस फॉर्म में ले लें तो फिर ये मसला हल हो जाएगा तो इसका जवाब ये होगा कि चालीस साल पुराना कर्ज़ा जो है वो गोल्ड के रेट के एतबार से ही देना चाहिए अब अगर किसी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है तो मेरे भाई फिर ये है कि अब वो कंसेंसिस के साथ ना कोई दरमियान का रास्ता उसके साथ इख्तियार कर लें कि वो खुद से छोड़ दें अब आप उसको ये क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि तुम सूद ले रहे हो अच्छा लोग फिर इस तरह की जब कोई बात करते कहते है, देखो जी सूद खा रहे हैं और जो तूने हरकत की हुई है बुखारी और मुस्लिम दोनों में दीस है एक मकरूज का जनाजा लाया गया नबीनाफर में मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा जब तक इसका कर्जा कोई अदा ना करे एक से आबी खड़े हैं उनका यार सुल्ला मैं देता हूँ फिर आपने जनाजा पढ़ाया सही बुखारी में हदीस है कि शहीद का हर गुना माफ हो जाता है कर्ज उसका भी नहीं माफ़ होता अंदाजा करें जहरा हुकूक इबाद वाला मसला है तो इसको हल्का लोग जान लेते हैं कि जी वो कर्ज जो है वो इस तरीके से माफ़ हो जाए ये सारी कबाहतें जो है ये सूदी सिस्टम और करंसी नोट की वजह से हुई हैं करंसी नोट को मैं जायज़ समझता हूँ लेकिन इसके साथ जो कबाहतें जुड़ी हुई हैं ना वो ये चीज़ मजबूर करती है हमें ये कहने पे कि जो कॉइन सिस्टम था करेंसी का या बार्टर सिस्टम था अशिया के बदरे अशिया वो ज़्यादा बेहतर था इस हवाले से मोलाना मुदूदी रही महल्ला की कि एक किताब है सूद आलमोस्ट तीन चार सौ सफ़ों की किताब है लेकिन सर कमाल किताब है उसके पाए की कोई किताब इस टॉपिक पर नहीं है कि यहूदियों ने किस तरीके से ये बैंकिंग सिस्टम रैज करके और हमारा माल हमसे हथियार लिया अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे कि लोग पहले सोने के साथ ये सारा लेन देन किया करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में ना दो तरह के कॉइन्स यूज होते थे सिक्के सोने के सिक्के को कहा जाता था दीनार और चांदी के सिक्के को कहा जाता था दिरम दिरमो दीनार। बीस दीनार नबी वसल्लम के मुबारक जमाने में साढ़े सात तोले सोना आज का बनता है 85 ग्राम ऑफ गोल्ड जो हमारा नसाब है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम के मुबारक जमाने में 200 चांदी के सिक्के 200 दिरहम आज के साढ़े बावन तोले चांदी बनती है आप देखें उस वक्त सोने और चांदी की जो वर्थ की नस्बत थी वन और सेवन की थी कैलकुलेट की जाए तो और आज ये नस्बत कहां पे पहुंच चुकी है वन और नाइन्टी पे क्योंकि वक्त के साथ सिल्वर अब सिलीट हो चुका है अब दुनिया में गोल्ड ही करेंसी का इक्विवेलेंट है आज जो है वो सोना ऑलमोस्ट नाइन्टी वन थाउजेंड है तोला और जो चांदी है वो ऑलमोस्ट वन थाउजेंड है वन नाइन्टी की निस्बत पे आ चुका है जो वन सेवन की थी क्योंकि आज करेंसी सिल्वर के अगेंस्ट नहीं गोल्ड के अगेंस्ट है और आप कभी करेंसी नोट उठा के देखें उसके ऊपर दो जुमले लिखे होते हैं नंबर वन अगर पाकिस्तान का नोट हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से शायाशुदा मतलब यह कि यह कागज का एक टुकड़ा है इसके पीछे गवर्नमेंट की जमानत है वरना तो ए फोर के आप चार टुकड़े करके तो चार पांच पांच हजार के नोट बना लें प्रिंट करके नहीं उनके पीछे गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है और दूसरा लिखा होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हामले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा हामले हाजा यानी जो इस नोट को प्रोजेस करता है जिसकी मलकियत है यह नोट उसको स्टेट बैंक इसके एक सोना देने का पाबंद है क्योंकि इस करेंसी नोट की तो कोई अहमियत ही नहीं है असल चीज तो गोल्ड है वैसे वो दे नहीं सकेगा हम मकसद कहते हैं ना इन्फ्लेशन बढ़ गई है जी वो सोना है ही नहीं पीछे और नोट से नोट छाप रहे ने तो इसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है वो इसीलिए बढ़ती है ना आप एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा तो नहीं कर सकते वरना तो फिर महंगाई हो जाएगी यही साजिश की यहूदियों ने उन्होंने उस वक्त 18वीं सदी के अंदर ये एक मुहिम चलाई कि जी आप सोना घर में जोड़ेंगे तो सोना तो चोरी भी हो सकता है ख़राब तो अल्लाह के फजल से ये नहीं हो सकता आप एक लाख साल के लिए भी सोने को ज़मीन में दफन कर दें समुंदर में फेंक दें इसको जंग नहीं लगेगा ऐसी कमाल धात है ना इसे जंग लगता है इसलिए तो इसको दुनिया की कीमती धात और करेंसी के तौर पे यूज किया गया क्या कि आप इसको जोड़ के भी रखेंगे देखें आपके कागज़ का नोट है उसको तो चूहा भी कुतर सकता है और भी कोई मसला हो सकता है बारिश के अंदर और इस तरीके से वो मामला खराब हो सकते हैं सोने के कॉइन को कुछ नहीं होगा और सर ये एक ऐसी चीज है दुनिया में कहीं ले जाए आपके पास अगर पाकिस्तान का नोट है और आप किसी ऐसे मुल्क में चले गए जहां पर पाकिस्तान की करेंसी आपको नहीं मिलती लेकिन सोना उठा के आप दुनिया में कहीं ले जाएं आप जाएं हाथों हाथ बिकेगा वो तो ये पुराने जमाने की ये एक खूबी थी कि जो गोल्ड के कायम की इंटरेंसिक वैल्यू होती थी वही उसकी फेस वैल्यू भी होती थी उसके अंदर पोशीदा इंटरेंसिक वैल्यू यानी अगर आज मैं आपको सोने का एक सिक्का दूं जिसना आजकल वो आप पता है ना सोने की बार छोटी छोटी मिल जाती हैं बिस्किट मिल जाते हैं उस पर लिखा होता है पांच तोला लिखे ना पांच तोला ये उसके ऊपर लिखा है पाँच तोला और उसकी कीमत भी पाँच तोला है ले जाए दुनिया में कहीं आपको पाँच तोले के एक मिनट वहाँ की करेंसी मिल जाएगी लेकिन पाकिस्तान के नोट के ऊपर अगर लिखा हुआ है पाँच हज़ार रुपया और हमारा पैसा दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है तो फिर आप देखेंगे जो कुछ मार्केट के अंदर हो रहा है आज दुनिया में हुक्मरानी डॉलर की है और डॉलर इस लेवल पर आगे चला गया कि अब गोल्ड की कीमत डॉलर निकालता है आप देखा सुनारे बैठे होते हैं रियल टाइम डाटा ले रहे होते हैं कि जी दुबई से ये रेट आ रहा है डॉलर के हिसाब से डॉलर डिफाइन कर रहा है हालांकि सोने को डॉलर डिफाइन करना चाहिए यहाँ पे डॉलर सोने को डिफाइन कर रहा है उस साजिश के तहत तो यहूदियों ने कहा कि ये जो आप सोना जोड़ रहे हैं तो चोरी भी तो हो सकता है आप हमारे पास हमारे बैंकों में ये बैंक यहाँ से स्टार्ट हुए थे हमारे पास बैंक में रखवाएं हम हिफाजत करेंगे आपके सोने की फ्री हिफाजत करेंगे लोगों को क्या चाहिए आज भी फ्री हिफाजत हो रही है ना लोग कह रहे हैं जी रखें तो उन्होंने कहा आपके पास रखवाएंगे तो जब हमने आपस में लेन देन करना है उन्होंने कहा क्या हम आपको एक सर्टिफिकेट बना देंगे कि ये लें इतने सोने के एक ये सर्टिफिकेट है हमारे पास आपका सोना पड़ा है आप किसी को ना सोना देने की बजाय ना उसको आज के दौर में कहने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देंगे ये लो वो सर्टिफिकेट फिर करंसी नोट बन गया इसीलिए शुरू में उलमा ने बकायदा फतवे लिखे कि करंसी नोट जायज़ भी है कि नाजायज आला हजरत ने पूरा एक फतवा लिखा हमजा बरेलवी साहब ने कि करंसी नोट जायज़ है अगर कोई पीछे जमानत खड़ी हुई है कुछ ओमा ने मुखालफत की थी अब तो खैर आप किसी भी आलिम को जाके नजराना पेश करें वो ना आपसे पूछेगा कि हराम की कमाई से है हलाल की कमाई से है ठीक है अमरीका के खिलाफ तकरीर करके वो मेम्बर से नीचे उतरेगा आप जाके डॉलर पकड़ाएं वो बग़ैर चूमे चूमेगा भी नहीं दिल में शायद चूम रहा हो जेब में डाल लेगा तो एक करेंसी नोट वाला मामला उन्होंने ना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया का सोना उन्होंने अपने पास जमा कर लिया अब आप सब कंगाल हैं आज जनाब डॉलर आज अमेरिका अनाउंसमेंट कर देना है कि मैं डॉलर खत्म करके नया डॉलर लॉन्च कर रहा हूं आप घर बैठे बैठे कंगाल हो गए अरबों डॉलर आपके डूब गए क्योंकि वो आप कहां लेके जाएंगे उसके पीछे तो स्टेट बैंक था अमेरिका का वो कह रहा है जी मैं इस डॉलर जिसना आप नोट चेंज कर दें खत्म लेकिन सर अगर सोने के कॉइन होते हैं हमारी करेंसी तो डॉलर खत्म हो जाए हमें क्या परवाह अब उन्होंने पूरी दुनिया का सोना इकट्ठा किया हुआ है आप जरा नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर वीडियोस देखें पहाड़ों की बेसमेंट्स में उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी टनल्स खोदी हुई है जिसमें उन्होंने लाखों टन सोना जमा किया हुआ पूरी दुनिया का बार्स की फॉर्म के अंदर आज डॉलर खत्म कर देना वो सारी दुनिया इकोनॉमी नीचे आ जाएगी अमेरिका की नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने आपका सोना इकट्ठा किया हुआ सोना उनके पास है आपके पास तो खाली आप कहते नहीं हमारे फॉरन रिजर्व पंद्रह अरब डॉलर है बीस अरब डॉलर है हज़ार अरब डॉलर हो चुके हैं दो हजार अरब डॉलर हैं सऊदिया के इस तरीके से मतलब तो आपके रियाल आपके यूरो आपके पाउंड आपके युआन, आपके रुपीज धरे के धरे रह जाएंगे अगर वो पीछे से हट जाए क्योंकि हमारे पास तो उतना सोना ही नहीं है इवन आप देखें स्टेट बैंक ने भी सोने की बजाय ना डॉलर रखे हुए हैं हालांकि सोना होना चाहिए इसके तो ये एक साजिश शुरू हुई जिसकी वजह से आज हम उसको भुगत रहे हैं तो इस सारी गुफ्तु के बाद आपको यह भी, भी समझ आ गई होगी कि जक़ात का नसाब आज के दौर में जो करेंसी का नसाब है ना वो सोने के क्वेलेंट होना चाहिए ये अक्सर उलमा जो है ना वो इन्होंने बैंकों से भी ना वो यकम रमजान को रेट निकलवाते हैं चांदी का वो सर चांदी का जो आप निसाब निकलवा रहे हैं उसमें तो आप बकरा नहीं खरीद सकते और बुखारी मुस्लिम उठा के देखें कि बकरों की जिकात बकरियों की जिकात चालीस बकरियों के बाद स्टार्ट होती है थर्टी नाइन बकरियों पर कोई जिकात नहीं तो चालीस बकरियों की अगर आप कीमत कैलकुलेट करें ना तो साढ़े सात तो वाले सोने के करीब करीब बनेगी आज की डेट में तीस चालीस हजार की तो एक एवरेज बकरी होगी ना तो आप देखें सात आठ लाख रुपया बन जाता है ना बुखारी मुस्लिम में कि पांच से कम ऊंटों में जिकात नहीं है तो पांच ऊंटों की कीमत आज के दौर में सात आठ लाख बनती है ना बड़ा माठा ऊंट भी लगाए सवा लाख का होगा डेढ़ लाख का तो ये बात अकल में आती है बुखारी मुस्लिम की अदीस को सपोर्टिव है कि सोने के इक्विवेलेंट होना चाहिए हां अगर किसी के पास सिर्फ चांदी है तो वो चांदी का निसाब लगा ले ये कहते हैं जी सिर्फ सोना होना तो सोने का लगेगा अगर बीच में करंसी नोट शामिल हो गया फिर आप चांदी के निसाब से करेंगे चांदी के निसाब से क्यों करेंगे यार लगे बंदे जब करंसी नोट खुद सोने के इक्विवेलेंट है कान यूं पकड़े या यूं या आप उसको चांदी में कैसे डाल रहे हैं वो कहते हैं नहीं मिक्स हो मिक्स कहां से हुआ? यहां तो ये दो चीजें अलग है और सोना और चांदी जब मिक्स होगा फिर चांदी की अलग से जुकात होगी सोने की अलग से होगी और कितनी वो भोली भाली हमारी इस्लामी हैं कोई बेवा हो जाती है या जिसके पास जेब खर्च नहीं होता तो वो कहती है जी मैं ज़क़़त कैसे दूँ मेरा तो जेब खर्च ही इतना नहीं खामा ने लगाया हुआ तो मेरी बहनों आपने जो सोना पहना हुआ है उसको तुड़वा के उसमें से जुक़़त दो ये तो सिर्फ़ इजाज़त है कि करेंसी नोट की फॉर्म में आप जुक़त दे सकते हैं वरना ओरिजिनल जुक़त तो ये होती है कि आपने उस सोने को तुड़वा के उस सोने में से ज़क़त देनी होती है इस्लाम ये कहता है कि साढ़े सात तोले से ज़्यादा सोना आप जोड़ें ही ना और अगर आप जोड़ेंगे तो आप उसकी पलेंटी देंगे जक़ात की फॉर्म में आप पास दस तोले सोना है उस वक्त तक जिकत देते रहेंगे जब तक कम हो गए साढ़े सात पे ना आ जाए साढ़े सात पे आ जाए इससे नीचे आ जाए तो फिर आप जुकात ना दे ये कहां से आपको पढ़ा लिया कि मेरे पास इनकम होगी तो मैं साढ़े सात तोले की जुकात दूंगा उसी को तोड़वा के देना अच्छा कई लोग ये भी पूछते हैं कि जब मेरे पास आठ तोले है तो जुक़ात तो शुरू होती है साढ़े सात से तो मैं आठ तोले पे जक़ात दूंगा या ऊपर वाले आधे तोले पे एड पोले ने ओ भाई जी जो थ्रेश होल्ड पॉइंट क्रॉस कर गया ना साढ़े सात से सो थोड़ा सा भी ऊपर गया तो पूरे के पूरे सोने के ऊपर जुक्रात होगी ये भी बड़े वो सादे बने हुए होते हैं तो कर्ज से बात कहां से कहां शुरू हुई मैंने करेंसी नोट की आपको बताई बाटर सिस्टम था तब भी इशू नहीं था आज भी आपको बताऊं पाकिस्तान में भी जो दूर दराज के इलाके हैं ना गिलगित साइड के ऊपर जनूबी पंजाब वहां चले बार्टर सिस्टम अभी भी चल रहा है दुनिया में ये अब नहीं हुआ अभी भी चल रहा है कि आप एक बंदे के पास दूध है वो दूध दे के गंदुम ले लेता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो चल रहा है ईरान के ऊपर आपको पता है पाबंदियाँ है। तो उनको पाबंदी ये है कि वो अपना तेल निकाल के बेच नहीं सकते अलबत्त इतना दे सकते हैं जिसके एक मिनट वो गंदुम खरीद लें तो वो बाल्टर सिस्टम से तजारत करता है ईरान ईरान वरना तो अगर उनको इजाज़त मिल जाए तो एक रुपये का मकरूज ना किसी का हो वह तो वो उतना तेल बेचते हैं जिसके एक पिलेंट वो गंदुम कपास इस तरह की चीजें बाहर से इंपोर्ट करते हैं बाटर सिस्टम के तहत एब्सोल्युटली तो नहीं बेच सकते वो तेल तो बार्टर सिस्टम अभी भी कंट्रीज के दरमियान भी चल रहा है उसमें यह एक बात नहीं है डी वैल्यू होने वाली या दूसरा फिर सिलसिला यह कि कॉइन करेंसी चले बजाय पेपर करेंसी के कॉइन करेंसी लेकिन अब तो मामला वो सॉफ्ट करेंसी से करते करते वो कहाँ तक बात अब तो प्लास्टिक पले पले पे मनी पे आई अब तो वो बिटकॉइन और ये वो सारे मामला भी शुरू हो गए हैं जायज़ हैं अगर उनके पीछे कोई स्टेट बैंक की गारंटी हो जिसना पाकिस्तान में तो स्टेट बैंक पीछे हट गए इससे ना स्टॉक एक्सचेंज इसको ऑन कर रही है बिटकॉइन और इसको तो अगर नहीं ऑन कर रही तो ज़ाहिर कल को आपका पैसा डूबा तो आप क्या करेंगे तो इस तरह की भी चीज़ों से पीछे रहें और आमदा से किसी को कर्ज़ देना है तो मेरे भाई बेहतर ये है कि डॉलर्स की फॉर्म में दें और उससे भी बेहतर है कि गोल्ड की फॉर्म में या उसके इक्वेलेंट उसे बताएं हमारे कई दोस्त हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं कि भाई ये आज जरा रेट पता कराओ गोल्ड का क्या है वो कहते हैं जी नबे हज़ार रुपये तोला तो कितना कर्जा चाहिए लाख रुपया तो वो कहता है मैं लाख रुपया नहीं आपको दे रहा बल्कि आप इसको कैलकुलेट करें कितने ग्राम ऑफ़ गोल्ड इसमें आ रहे हैं लाख रुपये में मैंने उतने ग्राम ऑफ़ गोल्ड आपको कर्ज दिया है और इसमें बाज़ालमा कहते हैं नहीं उतना गोल्ड ले कर दो ये तो उल्टा ये कान करके पकड़वाने वाली बात है वो जहाँ आगे उन्होंने गोल्ड लवे नहीं जब करेंसी और गोल्ड इक्वेलेंट हैं तो ये 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 बीच में पाखना लोगों को डालें और ना इसमें वो हदीस फिटो हो सकती है वो कहते हैं जी वो नबी इस्लाम ने बुखारी मुसलमे हदीस है कि दो किलो रद्दी खजूरें दे के आप एक किलो जो है वो अच्छी वाली खजूर नहीं ले सकते बल्कि पहले उसको बेचें और फिर वो इस तरीके से करें वो तो गर्र को धोखे को अवॉइड करने के लिए था कि उसकी एग्जैक्ट कीमत पता हो वरना हो सकता है कि वो रदी खजूर की वो कीमत ना मार्केट में लगे लेकिन आज तो हर चीज़ एग्जैक्ट है अगर मेरे पास पाँच हज़ार का नोट है तो पूरे पाकिस्तान में उसकी एक वर्थ है वो एक पैसा ऊपर नीचे नहीं होगी और गोल्ड का जो रेट निकला हुआ वो एक पैसा ऊपर नीचे नहीं होगा लिहाजा इधर गरर जब गरर वाइड हो जाए ना तो फिर वो सारे कारोबार जायज़ हो जाते हैं इस पर मेरा यूट्यूब पर क्लिप भी आप देख लें हलाल और हराम कारोबार मैंने इस तरह के कई और इशूज़ उसमें रिजॉल्व किए तो कर्जे के बारे में ये कि चालीस साल पुराना कर्जा मेहरबानी करें चाहे वो बार्टर सिस्टम के तहत देख लें या गोल्ड के एतबार से देख लें बहरल आपको आपस में कंसेंसिस के साथ तय करना होगा कि आप उसको वो करें और ना आप उसको ये कह है सकते हैं कि तू सूद खा रहा है अलबतः दो तीन साल की टॉलरेंस तो कोई भी बंदा देने के लिए तैयार है दो तीन साल में तो अब ये आजकल ये कुछ ज़्यादा फर्क पड़ना शुरू हुआ है ना आप देखें टू थाउजेंड से पहले पहले कभी तीन चार साल के बाद हजार बारह सौ सो सोना चढ़ता था या एवरेज जो है वो दो सौ तीन सौ चढ़ता था ईदर तो रात को सोते हैं सुबह दस हज़ार रुपये चढ़ जाता है ये तो ये सारी जो इकानमी दुनिया की डिस्टर्ब हुई है और पाकिस्तान की बिलखसूस हुई है वो तो इक्कीसवीं सदी में हुई है यहाँ तो दो से तीन साल में भी उतना फ़र्क पड़ता है जो पहले तीस चालीस में बाद फिर भी इसमें कोई थोड़ा बहुत टॉलरेट आपके साथ कर लेगा चालीस साल में तो सर फिर बड़ा फ़र्क है तो आप ख़ुद भी ख्याल करें कि अगर आपने कर्ज़ा देना है तो फिर उसके साथ या आप चाहते हैं वो छोड़ दें तो फिर उसके साथ कोई कंसेंसिस कर लें कि यार मैं उस वक्त तो तेरे साथ तय नहीं किया था लेकिन मुझे अब खौे खुदा भी आता है कोई दरमियान का रास्ता निकाल लेते हैं तुम ये लेकिन ये आप उसको कभी नहीं कहेंगे कि तू सूद खा रहा है सूद नहीं अच्छा उसको ये बशरा दे रहे हैं सूद खा रहा है तो तूने क्या खाया है एक तो चालीस साल तक कर्जा दबा के रखा है और फिर वो बड़े शरीफ बन जाते हैं नहीं जी उस टाइम तो ऐना लिया देखो ज्यादा देना तो फिर सूद होना माशा सूद के ऊपर हरमत पता है और जो कर्जा दबाया हुआ किसी का तेरा तो जनाजा भी जायज़ नहीं है वो तुझे नहीं पता तू शहीद भी हो जाए तो तेरा ये माफ नहीं होना ये तुझे नहीं पता लोगों को तू जो है माशा रहा है तो ये भी चीज़ें देखने की जरूरत है ठीक हो अरे भी अगला सवाल है एक भाई पूछ रहे हैं कि मैंने कई साल पहले चंद मुखर हजरात से जक़ात के नाम पर गरीब लोगों में तकसीम करने के लिए कुछ रकम इकट्ठी की थी लेकिन शैतान के बहकावे में आकर वो सारी रकम मैंने खुद इस्तेमाल कर ली आज मुझे अपने उस गुनाह का एहसास हो चुका है क्या मैं उन लोगों के इल्म में लाए बगैर इतनी रकम गरीबों में तकसीम करके अपने गुनाह का कुफार अदा कर सकता हूँ या फिर मुझे उन मुखर हजरात को भी ये सारा इल्म में लाना पड़ेगा मुखर हजरा के इल्म में लेके आएंगे तो आपके सर पर मारेंगे जूतियाँ तो ज़रूरत नहीं उनके इल्म में लाना वो आपका और अल्लाह का मामला था शुक्र है आपको इस चीज़ का एहसास हो गया अब इसमें दो सूरतें हैं अगर तो आपने मुख्य अजराज से ये कमिटमेंट की थी कि मैं आपसे ये पैसा लेके फलां मुन शख्स को दे रहा हूँ तो अब भी आपको उसी शख्स को ही वो देना होगा किसी भी गरीब को देने से कफारा आ नहीं होगा क्योंकि आपने उस बंदे के नाम पर लिया था मसान कोई शख्स जो है वो लोगों से माल इकट्ठा करता है शौकत खानम के लिए या ईदी वालों के लिए यह कह के अब वो कह के जी ईदी भी अल्लाह की राम में है अशोकत खानम भी अल्लाह की में है चलो मैं अपने महल में किसी को दे देता हूँ नहीं इसके लिए फिर आपको मालिक से इजाज़त लेनी होगी कि मैं आ, इसका जो है वो मशरफ़ दूसरी जगह करना चाहता हूँ इसलिए आप देखें ना इलियास कादरी साहब के आप फजान मदीना में दाखिल हो ना तो उनके चंदा बुक पर लिखा होता है कि इसमें जो आप चंदा डाल रहे हैं जिन लोगों को डाल रहे हैं उनको कुल्ली इख्तियार है इसको खर्च करने का चाहे वो इससे टी वी कैमरा ख़रीदें अपने हजरत साहब के लिए एयर टिकट खरीदें या किसी मौलवी की तनखा दें वो कुल्ली इख्तियार लिखा होता है वो मनवा लेते हैं पहले लेकिन जब ये लोग ले रहे थे कुल्ली इख्तियार तो ये तो नहीं उन्होंने लिया और अगर उन्होंने वैसे आपको जिकात दी थी कि ठीक है गरीबों में तकसीम कर दो मेरी तरफ से जो भी कोई गरीब है तो आप अपने अलावा किसी और को कर दें क्योंकि जब वो बंदा दे रहा था आपको वो गरीब नहीं समझ रहा था वरना तो पहले आपको देता ना तो उनको बताए बग़ैर आप वो सारी रकम कैलकुलेट करें और अगर इसमें बहुत ज़्यादा अरसा गुजर चुका है तो फिर आप गोल्ड की कीमत के अतबार से जो उतार चढ़ा हुआ है आज के दौर में जो रेट है वो आपको देना होगा ये जहन में रखिएगा और इसको वो सपोर्टिव वो चीज़ भी याद कर लें आप सही बुखारी में दीस है ना मुस्लिम में भी है कि वो एक शख्स था उसने किसी मज़दूर को मज़दूरी पर रखा मजदूर मजदूरी लिए बगैर चला गया तो मज़्दूर कई तो सालों बाद वो बंदा वापस आया तो उस मजदूर ने उससे कहा कि मुझे उजरत दो अल्लाह से डरो तो उसने उसको सैकड़ों बकरियां और पता नहीं क्या कुछ दे दिया उसने कहा नहीं मैं तो ये जुल्म नहीं करूंगा मेरी जो उजरत थी वो उजरत उसकी चांद चावलों के दानों के अवसर जैर उसमाने में बाटर सिस्टम था ना तय हुई थी एक किलो चावल या दो किलो चावल ज़ाहिर है वो आप आज के दौर में भी अगर दो किलो बासमती चावल हो तो तीन चार सौ रुपये तो बन ही जाता है तो वो कहने लगा कि मैंने वो जो चावल तेरे लिए रखे हुए थे ना उन चावलों को मैंने ज़मीन में काश्त किया तो अल्लाह ने मुझे बरकत दी इतनी मेरी काश्त हुई कि मैंने उससे बकरियाँ ख़रीद ली ये सारा रेवड़ जो है ना ये उसी से निकला हुआ है तो मैं तुम्हें अल्लाह के लिए देता हूँ अच्छा ये हदीस वो है वो जो गार के पत्थर वाली हदीस है जो एक बंदा गार में फंस गया था तीन बंदे तो उन्होंने अपने अपने नेक माल का वसीला पेश किया था उसमें से एक बंदा ये था जिसने कहा अल्लाह ये मैंने महज तेरी खातिर किया कि मैंने उसे वो चंद चावल नहीं दिए बल्कि वो सारा रेवड़ दे दिया था अगर तेरी बरगाह में ये अमल कबूल है तो ये पत्थर हटा दे तो पत्थर हट गया था ये वो वाली हदीस है जो हमने बचपन में पढ़ी हुई है गार के पत्थर वाली तो इसके तहत भी ये चीज़ समझ आती है कि अगर आप आज के दौर का रेट लगाएंगे तो वही जाहिर है कि ज़्यादा बेहतर होगा बाकी अल्लाह के हज़ूर तौबा करें इन शाला तौल आपका गुना माफ़ हो जाएगा बाकी पिछले सवाल के अंदर मैंने जो कुछ डिस्कस किया है करंसी और डी वैल्यू के अतबार से वो भी इसके अंदर ही आप शुमार कर लें तो वो सारी इन दोनों चीज़ों को देख के आपको इन शाला समझ आ जाएगा बल्कि हम इसका जब क्लिप मेरा ख्याल अपलोड करें तो हम इसको इन मिला के अपलोड कर लेंगे इस एतबार से ताकि लोगों को दोनों बातें समझ आ जाए ठीक हो गया